अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। आज की एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो है। इसमें भी मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वही बात, पता नहीं क्यों नहीं मैं बना रही थी, लेकिन आज फाइनली मुझे वक्त मिला है और मैं बनाऊंगी। मीनिंग ऑफ मैरिज, विवाह के सात वचन, जो इंडिया में होते हैं ना, कि हिंदुइज्म में जो विवाह होता है तो उसमें सात वचन लिए जाते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, जो वचनों वचन होते हैं उनका, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो है जी मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है उनकी वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आपको मुझे ये वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है मुझे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, पसंद है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब इसके प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थोड़े बहुत देखते हैं कुछ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है पंखे के बिना बनाते हुए। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ सात वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये सात वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के सातों वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणि ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वि और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणि ग्रहण का अर्थ पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन सातों जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है तीर्थ व्रतो द्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुरेयाह वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं, आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से ये वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुरेयाह वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच भी होता है, तो मान सम्मान की ये गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है। तीसरा वचन जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुरेयाह वामांग यामी तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है, उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा, यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक, ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश दूसरा अरेबिक। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है, दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद।
तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। बहुत अच्छी बात है। तलाक शब्द और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेज हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुरयाह वामांग मायामि तदा त्वदीय ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व तो आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में, किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। लेनी भी चाहिए, घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। छठा वचन, न मेप मानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनम च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे, और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं, तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए, स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं, तो क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ पिता के आगे माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है, कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रानंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है, देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे, कुंती पुत्र, और कर्ण का क्या नाम था, राधे। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन ना खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, ना अपने सामने होता हुआ देखेगा। सातवां वचन, परस्त्रियं मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। प्यार ऐसा ही होना चाहिए, वो तो है। दो के बीच इतनी जगह ही न रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूँ, अब किसी का हो नहीं सकता। ये थे विवाह के वो सातों वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो थी, बहुत खूबसूरत वीडियो थी। तो इसमें से कुछ कुछ वचन जो है वो ऑलरेडी मुझे मतलब पता भी थे, लेकिन फिर भी ये वीडियो देखना, डिटेल के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब कि मैंने देखा हुआ था, और भी जो लोग हैं, तो मुझे था कि मैं भी देखूँ कि इस वीडियो में कितने ज़्यादा खूबसूरती से बताया गया। तो अल्लाह चाहूँगी जो एंड वाला वचन था उसका, तो ये वाला वचन मतलब और भी जितने भी वचन थे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला वचन आज के दौर में, आज का जो युग है, इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि वो बात भी है ना
कि आप बोलती हैं कि तुम मेरे और दूसरों को माँ समझोगे, जितनी भी स्त्रियाँ हैं, या तो मतलब जब आप माँ समझ लेते हो ना, तो उसके बाद फिर आप उसको ऐसे किसी वे से नहीं देख सकते। तो वो होता है ना कि इस वचन में आपको होता है कि एक इनसिक्योरिटी नहीं है, एक क्या बोलते हैं कि एक ऐसा वादा है जो कि मांग रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए हूँ, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही हूँ, अपना हर चीज़ छोड़ कर आ रही हूँ, तो तुम्हारा भी उतना क्या बोलते हैं कि होना चाहिए ना, कि मुझे वो इनसिक्योरिटी फील ना हो, मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, मुझे ये ना लगे कि नहीं अगर मैं इसके साथ रहूँगी और कुछ साल के बाद ये ना हो कि ये दूसरों को देखने लग जाए और इसका औरों पर ध्यान जाए, और जो भी स्त्री अगर इसको हो कि मेरे अलावा और दूसरे अच्छे लग जाए, तो वो चीज़ ना औरत के मन में बहुत ज़्यादा रहती है, मुझे लगता है। मतलब मेरे मन में भी ऑब्वियसली है वो चीज़, तो वो चीज़ रहती ही है। और इस बात का यकीन दिलाना अपनी बीवी को, एक मुझे लगता है जो कि मर्द होते हैं ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ये। जब शादी हो जाती है आपकी, उसके बाद कि बताते रहना अपना जो प्यार है वो दिखाते रहना, और मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बताना कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं रहूँगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है वैसे मुझे ये बात भी, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग से वचन थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सीरियसली कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो रहा है और उसमें मतलब रिश्ता स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पर आप एक दूसरे को वचन दे रहे हो और वचन मांग रहे हो कि अगर मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, क्या तुम्हें ये चीज़ें मंजूर हैं, अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हारी पत्नी बनूँगी, अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी है, अगर तुम्हें वो है ना कि उससे एतराज़ हो, तो तुम मुझे अभी बताओ, तो अगर ये सब कुछ होगा तो ही मैं रहूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नहीं रहूँगी। और दो और ये बात भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि जो हिंदुज़म में विवाह होता है उसमें बोलते हैं कि डिवोर्स का कुछ भी रिवाज नहीं है, और ये चीज़ है ही नहीं उनमें कि डिवोर्स वो होता है कि दूसरे जो अंग्रेज़ हैं उनसे या फिर अरबी जो है उनसे वो जो अलग होना वो चीज़ आई है। और अभी तो वैसे ये चीज़ हर जगह पर होती है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये है कि एक दफ़ा विवाह हो जाए उसके बाद अलग होने का कुछ भी है ही नहीं, आप हो ही नहीं सकते। लेकिन इसके लिए भी मैं बोलूँगी कि जब आपकी शादी हो और जो भी बंदे से आपकी शादी हो, इतना ज़्यादा सोच समझ के हो ये फैसला लिया जाए। ये नहीं है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो जहन्नुम बनी हुई है, आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मतलब कि आप ऐसे भी में गुजार रहे हो कि आपको लगे कि उससे अच्छा हमारी मौत आ जाए, और अब उसके बाद भी आप वहीं पर रहो और ऐसी ही ज़िंदगी में रहो, तो वो भी तो चीज़ गलत हो जाएगी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि वो वचन गलत है, मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए है कि इंसान जब फैसला ले दो लोग एक दूसरे के साथ रहने का, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ले, बहुत ज़्यादा सोच के वो बात होनी चाहिए। वाकई में हम दोनों में वो बात है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकेंगे। आजकल तो डिवोर्स इतनी ज़्यादा आम हो गई है ना कि लोग थोड़ी थोड़ी अभी ना एक दो दिन हुआ मैं एक वीडियो देख रही थी, एक बंदा एक बंदी खास तौर पे, उसने उनके जो ससुराल वाले थे उसको कुछ मतलब कुछ मांग रही थी, कुछ ना भूख लगी हुई थी उसको, और वो ला के नहीं दिया, तो इस बात पे वो अलग हो गई, ससुराल छोड़ दिया और डिवोर्स ले ली। मतलब सीरियसली आजकल लोगों ने इस चीज़ को शादी को मजाक बना के रखा है, मजाक समझते हैं और मजाक ही लेते हैं, जबकि बोलते हैं कि ये इतना ज़्यादा प्योर और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है ना, कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ उतने अच्छे से रहें तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता और नहीं होता। हाँ, माँ के साथ हमारा बहुत ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, लेकिन ये भी उतना ही ज़्यादा अहम, उतना ज़्यादा ज़रूरी और उतना ही ज़्यादा होता है ना कि प्योर रिश्ता होता है अगर आप समझें और अगर आप अच्छे से रहें तो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिश्ता होता है एक, बेशक वो मर्द है औरत है उसकी ज़िंदगी में वो, तो ऐसे ही है। मैं बोलूँगी ये नहीं है कि हम लोग आजकल होता है ना कि सोचते हैं कि हमारी एज निकल रही है, हमारा हमारे पास मतलब कि होता है आजकल लोग बोलते हैं कि इतनी एज हो गई इसकी शादी नहीं हो रही है, ये ना मैं बोलूँगी सोच समझ के फैसला लो, लोगों की बातें ना सुनो। मतलब पिछले वक्त में हम लोग देखें तो शादियाँ मतलब
जल्दी हो जाती थी 20 साल की जब एक बेटी होती थी उतने वक्त में उसके 2-3 बच्चे भी हो जाते थे, मतलब इतनी जल्दी शादियां हो जाती थी। लेकिन अभी के वक्त में लोग वो चीज़ होता है ना कि सोचना स्टार्ट हो गए हैं, एक दूसरे को समझना और बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसले लेना स्टार्ट हो गए हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानो और उसके बाद रहना स्टार्ट हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत साल एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहने के बाद भी शादी जब उनकी हो जाती है तो वो 1-2 साल भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो वो भी मतलब पता नहीं, अलग अलग सीन्स हैं जो कि होते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शादी हो जाए तो दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए और हमेशा के लिए। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वचन थे जो कि पता लगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये वीडियो देखकर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर प्लीज़ जरूर कीजिए। मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिए। मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसे बहुत सी वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।